नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में, जो सूचनाओं से भरा हुआ है, खुशखबरियों से भरा हुआ है। तमाम साथी हमारे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। मैं दिल्ली से प्रस्तुत हूँ इस वक्त आपके समक्ष, और मेरे साथ हैं हमारे आदरणीय सुनील शुक्ला साहब, राष्ट्रीय महामंत्री ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। जय हिंद, जय भारत। और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवशंकर द्विवेदी साहब, प्रयागराज से हैं दोनों साथी। और कृष्णपाल राठौड़ साहब, नए नए कोषाध्यक्ष आज ही नियुक्त किए हैं मध्य प्रदेश के, और इनके साथ साथ अब पूरे तमाम राज्यों में कोषाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है साथियों। और चिरपरिचित हमारे महामहिम आदरणीय अशोक मुद्गल साहब, राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी मध्य भारत। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शरद कुमार बामनिया साहब आपके साथ हैं, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं अपने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के केंद्रीय कार्यालय में। मोदी की गारंटी, बनेगा यह कानून बट्स एक्ट, मोदी की गारंटी बनेगा। धन्यवाद जी। तो मैं मोदी जी की गारंटी से ही शुरू करता हूं कि मोदी की गारंटी और मोदी हैं तो मुमकिन है। दोस्तों, हिंदुस्तान को पहला ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिला है जो रिस्क ले सकता है उन कामों के लिए, जिन कामों की तरफ नजर उठाकर देखना भी हिंदुस्तान के राजनेताओं के लिए गुनाह था, अपराध था। मोदी जी ने अपने इस 10 वर्ष के कार्यकाल में ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं, ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो ठगों की, बेईमानों की, चोरों की, लुच्चों की, लफंगों की गले की फांस बन चुके हैं। मेरे गले में भी ये फंदा रहता था पहले, हमेशा यूं आपने देखा होगा, लेकिन मैंने मोदी जी की गारंटी से आश्वस्त होकर ये फंदा अब हटा दिया है, और ये गमछा ऐसे डालना आरंभ कर दिया है। क्योंकि मोदी सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देकर आप सबके भुगतान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, और अब आपका भुगतान संसार की कोई भी ताकत, कोई भी ठग रोक नहीं सकता, हड़प नहीं सकता। आज आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर सहारा के कुछ दलाल ठग बट्स एक्ट की खिलाफत करने के लिए एक भुगतान क्रांति के नाम से नाटक कर रहे थे, वहां फर्जी आंदोलन चला रहे थे, बट्स एक्ट की खिलाफत कर रहे थे, सहारा के ठगी पीड़ितों को गुमराह कर रहे थे, और बड़ा दंभ भर रहे थे कि पार्लियामेंट घेर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर देंगे, जंतर मंतर से उठेंगे नहीं जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा। उनको पुलिस ने जब खदेड़ना आरंभ किया तो वो कुत्ते की तरह दुम दगावाकर जंतर मंतर से भाग गए। ये सबने देखा होगा, देख लें आप, कोई भी इस समय जंतर मंतर पर चिड़िया भी नहीं है सहारा नाम की। और चूंकि सहारा का भुगतान भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार ही होना है, सहारा की तमाम प्रॉपर्टी सीज होनी है, इस एक्ट के तहत नीलाम होनी है, आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मिलना है। इसलिए ये सहारा के ठग दलाल आपको इस एक्ट के खिलाफ भड़काते हैं, गुमराह करते हैं, एक्ट की खिलाफत करते हैं। अब सहारा के निवेशकों को इन दलालों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और सबको बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नजदीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ कर देने चाहिए। मेरी इस बात का आधार, मजबूत प्रमाण आज आप ट्विटर पर जाकर के देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, संघ के बड़े विचारक, माननीय सांसद राकेश सिन्हा प्रोफेसर साहब ने एक ट्वीट किया है व्हाट्स एक्ट को लेकर, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी लाइक किया है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साइट्स पर आप उस ट्वीट को देख सकते हो, जिससे यह सिद्ध होता है कि अब
आपका भुगतान कोई रोक नहीं पाएगा। अब देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का डंडा प्रत्येक ठग पर, प्रत्येक दलाल पर, ठगों के पर, प्रत्येक ठगनी पर चलेगा और निवेशकों को भुगतान की गारंटी का अधिकार जो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था वो कानून अब देश की प्रत्येक ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होगा। भले ही पीएसएल पल्स हो, आदर्श हो, सहारा हो, क्यूसेप हो, टोगो हो, जीसीए हो, रोज वैली हो, पिनकोन हो या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, आरएमसीएल, सक्षम, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा, साई प्रसाद, साई प्रकाश या फिर गरिमा और मैत्रेय जैसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, सबके पीड़ितों का पैसा इंक्लूडिंग जनशक्ति, ट्रिनिटी वगैरह वगैरह, जेके भी, ये जितनी भी हैं, सबके पीड़ितों का पैसा, निवेशकों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मिलना आरंभ हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि देश के किसी बेईमान अधिकारी में, बेईमान चीफ मिनिस्टर में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि वो प्रधानमंत्री जी की, मोदी की गारंटी को अनदेखी कर सके या उसकी अवमानना कर सके या उल्लंघन कर सके उसका। आप देख रहे हो दो ठग मुख्यमंत्री, ऐसा भी पहली बार हो रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री बहुत मजे लूटते थे, ठगी करते थे, करप्शन करते थे। झारखंड के मुख्यमंत्री को जो डी कैब नाम की पोंजी स्कीम्स को प्रचारित प्रसारित करता था, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है पद पर रहते हुए, इस्तीफा दिलवा के जबरन जेल भेज दिया है उसको। ईडी की हिरासत में है, रिमांड पर चल रहा है, पूछताछ चल रही है और तमाम विरोधी दल और बेईमान लोग, ठग लोग हाहाकार मचा रहे हैं इस बात को लेकर के कि हुआ क्या एक मुख्यमंत्री को, क्यों ठगी के आरोप में, बेईमानी के आरोप में जेल भेज दिया गया। दूसरा एक तथाकथित ईमानदार, एक झटके में, एक दिन में, जैसे नोटबंदी कर दी थी, जैसे ये कानून इम्पोज कर दिया था देश में, एक झटके में 3 लाख कंपनी बंद कर दी थी, जैसे जीएसटी लागू कर दिया था देश में, जैसे लॉकडाउन कर दिया था 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे देश में, वैसे ही इस बार आप सबका भुगतान 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। चूंकि अब यही काम बाकी रह गया है मोदी जी को करने के लिए, और बाकी सारे काम वो कह चुके, कर चुके हैं। सारे इशारों में उन्होंने कई बार कहा भी है कि अभी तो एक बड़ा काम बाकी है जो करना है दोस्तों, वो काम यही बाकी रह गया है कि शासन सरकार कितनी भी अच्छी योजनाएं बना ले, कितने भी अच्छे कानून ले आए, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोग उस कानून को, उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने देते, खा जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। तो अब जो समय आ रहा है, निश्चित रूप से वो इन तमाम ठगों पर और मजबूती के साथ शिकंजा कसेगा, और आपकी जो मेहनत का पैसा लाखों कंपनीज में डूब गया है वो आप सबको वापस मिलेगा। इसलिए तमाम साथी जो भी किसी भी कंपनी के पीड़ित हैं, निवेशक हैं, वो अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नजदीकी सक्षम अधिकारियों के यहाँ अवश्य कर दें, ताकि आप सबका भुगतान भी 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आप सबको वापस मिल सके। दोस्तों भुगतान शुरू हो चुका है, सब लोग अपना भुगतान पाने के लिए अपने अपने आवेदन अवश्य दाखिल कर दें बट्स एक्ट के तहत। और चूंकि अब हमारे 3 साथी विदा लेने वाले हैं, आज बहुत मेहनत की है, कई सरकारी दफ्तरों में गए हैं, बहुत सारी बातें की हैं और आपके लिए बहुत मेहनत की है। इस उम्र में भी हमारे पंडित जी ने बुढ़ापे में भी झंडे गाड़ दिए हैं, तो पंडित जी आज मुरैना के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, शरद बाबू मंदसौर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, राठौर साहब भी मंदसौर जा रहे हैं, और कल हम 3 तिरंगे यहाँ रह जाएंगे आपके लिए और काम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका भुगतान सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत साथियों।